हेलो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट इंग्लिश क्लास की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दसवीं की किताब पैनोरमा का चैप्टर नंबर 1 द पेस ऑफ लिविंग का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ वोकेबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग पे भी हम काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट कथा ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग सेंसिटिव इश्यू। आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यू ऑफ द कंटेम्प्ररी सोसाइटी विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। अपने सभी विरोधाभासों के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक साधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन आधुनिक आदमी की पीड़ा को समेटते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। वह यह बताते हैं कि पुरुषों, चीजों और वस्तुओं की तीव्र गति समान लय को कैसे प्रभावित करती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर कैसे अनुचित दबाव डालती है। आगे बढ़ने से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो किताब आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं उसका नाम है पैनोरमा स्नैपशॉट। अगर इस किताब को अवेल करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर करके यानी कि गूगल पे, पेटीएम और फोन पे करके आप इसे कुरियर के द्वारा अपने घर पे मंगा सकते हैं। पैनोरमा की कीमत है 160, जिसमें आपका कुरियर चार्ज भी शामिल है। अगर ज़्यादा बुक लेते हैं तो कुरियर चार्ज हमारी तरफ से दिया जाएगा, अगर 5 से ऊपर लेते हैं तो। बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास रेनबो स्नैपशॉट है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है, साथ ही साथ आपको 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। ये 12वीं के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये किताब आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए दसवीं के लिए बहुत ही बेहतर किताब है। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस किताब जो आप देख रहे हैं ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ पूरी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन है। मैं चाहूँगा कि आप इसे इंस्टॉल करें और इसका इस्तेमाल करें। अगर आप अच्छा ना लगे तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इसे अनइंस्टॉल कर दें, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इसकी रेटिंग 4.6 है और ये बढ़ते ही जा रही है। जब से लॉन्च हुई है इसका लोगों पे काफ़ी असर दिखा गया। पिछले साल जो भी स्टूडेंट इनसे परीक्षा दिए हैं 12वीं के, उनका काफ़ी अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है। होपफुली कि आप इसे देखें और ट्राई करें। चलिए आगे हम बताते हैं। द पेस फॉर लिविंग आई सा प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाल ही में मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जिसमें मुख्य पात्र आयरिश के ग्रामीण इलाके का एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था। ही वाज मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। वह कई चिंताओं यानी कि विपदाओं से घिरा हुआ आदमी था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल कमजोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। एंड हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी को छुट्टी पर 10 पाउंड यूरो, नहीं से पाउंड कहेंगे, 10 पाउंड खर्च करने की शानदार इच्छा थी। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के द पेस फॉर लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। जीवन की रफ्तार उसके लिए बहुत तेज हो रही थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिसअपीयर, और निराशा की एक पल में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। उसने दिल से एक बड़ी दुखड़ा सुनाया। दे टेल मी
there is an aeroplane now that goes 1000 miles an hour. वे मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज है दो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है. Now that's too fast. अब तो यह बहुत तेज है. तब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और मैं आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. Till then, goodbye.